हेलो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स के बारे में देखिए लास्ट वीडियो में हमने ये तीन पॉइंट डिस्कस कर लिए थे अब फोर्थ पॉइंट है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखिए टाइट्रेशंस की बात करें तो इनका यूज हम अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं अब देखिए अगर टाइट्रेशन के लिए एंड पॉइंट का डिटरमिनेशन हम कंडक्टिविटी मेजरमेंट के थ्रू करते हैं तो उन टाइट्रेशंस को हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पर बेस्ड होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें तो ये आयन्स के नंबर और मोबिलिटी पर डिपेंड करता है अब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेश को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड विद स्ट्रॉ बेस के बारे में इसमें हम एच को एनएच के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे और इसके लिए हम जो एसिड है उसको कंडक्टिविटी वेसल में लेंगे और एल्किली को ब्यूरेट के थ्रू इसमें ऐड करेंगे अब देखिए एच की जो कंडक्टिविटी होती है वो H+ प्लस और Cl- माइनस की वजह से होती है अब जैसे जैसे हम HCl में NaOH ऐड करते हैं तो HCl का न्यूट्रलाइजेशन होता है और जो एच प्लस वो एन आयन से रिप्लेस हो जाते हैं अब देखिए एच प्लस एच प्लस आयन जैसे-जैसे प्लस आयन से रिप्लेस होगा या हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम एच सी एल में सोडियम हाइड्रोक्साइड एड करते हैं तो एच सी एल की कंडक्टेंस डिक्रीज होगी अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं देखिए जो ए बी लाइन है वो एच सी एल को रिप्रेजेंट कर रही है तो जैसे जैसे हम एच सी एल में एन एच ऐड करते हैं एच सी एल की कंडक्टेंस डिक्रीज होती रहती है और ये तब तक डिक्रीज होती है जब तक कि एच सी एल पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता अब न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगर हम और एन ओ एच एड करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से जो कंडक्टेंस होती हैं वो वापस इंक्रीज होती हैं जिसको हमने सी डी लाइन से रिप्रेजेंट किया है अब इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है उसको हमने एक्स पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है और यही एक्स पॉइंट इस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है तो इस तरह से हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में ग्राफिकल मेथड के थ्रू एंड पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं फिर बात करते हैं टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में इसमें हम एसिटिक एसिड को एनएच के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे अब देखिए एसिटिक एसिड वीक होता है तो इसके लिए जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो कम होती है क्योंकि इसका डिसोसिएशन पुअर होता है अब जैसे ही हम इस एसिड में बेस ऐड करते हैं तो उससे सोडियम एसिटेट बनता है और इसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती है अब एसिटिक एसिड जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है और उसके बाद हम और बेस ऐड करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होती है और कंडक्टेंस में ये जो शार्प इंक्रीमेंट आता है वो फास्ट मूविंग हाइड्रोक्साइड आयंस की वजह से होता है अब इस टाइट्रेशन में जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, है वीक एसिड के मिक्सचर को एनएच के साथ टाइट्रेट करेंगे देखिए इस टाइट्रेशन में एचसीएल स्ट्रॉन्गर एसिड है इसलिए वो पहले टाइट्रेट होगा और जब एनसीएल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसके बाद एसिटिक एसिड टाइट्रेट होगा तो इस तरह से हमने केस फर्स्ट और केस सेकेंड में जो कर्व डिस्कस किए थे उसका कॉम्बिनेशन इस थर्ड टाइट्रेशन में होगा यहां पर जो बी पॉइंट है वो HCL के न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सी पॉइंट है वो एसिटिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है फिर इसके बाद हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ टाइट्रेट करेंगे देखिए इस केस में जो फास्ट मूविंग एच प्लस आयन है वो स्लो मूविंग अमोनियम आयन से रिप्लेस हो जाता है तो इस तरह से कंडक्टेंस डिक्रीज होगी और फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के एडिशन पर कंडक्टेंस में किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है अब बात करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के एडवांटेज की देखिए जनरली हम जब नॉर्मल टाइट्रेशन करते हैं तो एंड पॉइंट के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं और इंडिकेटर कलर प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हम एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं अब अगर सॉल्यूशन कलर्ड है या टर्बिड लिक्विड के फॉर्म में है और इस केस में ऑर्डिनरी इंडिकेटर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज कर सकते हैं इसके अलावा ये जो मेथड है वो वेरी डायलूटेड सॉल्यूशन वीक एसिड और वीक बेस के केस में भी हेल्पफुल होता है और जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है इसमें हमें एंड पॉइंट पर किसी भी स्पेशल केयर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसको हम ग्राफिकली डिटरमाइन करते हैं देखिए जब नॉर्मल टाइट्रेशन करते हैं तो एंड पॉइंट पे हमें ध्यान रखना होता है कि किस टाइम जो कलर है वो चेंज हो रहा है लेकिन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के केस में हमें ऐसा नहीं करना होता है क्योंकि जो एंड पॉइंट है वो हम ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करते हैं